मैं JDC की जो मेन हेडक्वार्टर्स है अंचोली, इसमें मैं मौजूद हूँ। ये टेंट हमने, जो लोगों ने हमें डोनेशन दिया अभी रिसेंटली यूएस से आई है, ये टेंट है, उसमें मच्छरदानियाँ हैं, ये हम दे रहे हैं। मेडिसिन के ट्रक दिए हैं, 5 ट्रक अभी, 4 ट्रक अभी SSC को दिए हैं, सिंध पुलिस को, उनके साथ मिलकर मेडिकल कैंप दादू में कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलाम अलैकुम जी। मैं JDC की जो मेन हेडक्वार्टर्स है अंचोली, इसमें मैं मौजूद हूँ। ज़फ़र मेरे साथ है, ज़ाहिर है ज़फ़र बिजी थे मगर हमारे लिए आए। ये टेंट हमने, जो लोगों ने हमें डोनेशन दिया अभी रिसेंटली यूएस से आई है, ये टेंट है, उसमें मच्छरदानियाँ हैं, ये हम दे रहे हैं। हम तो क्या दे रहे हैं, अल्लाह ने बस तौफीक दी है लोगों को कि वो देते हैं पैसे। अभी इनको मज़ीद चीज़ें और चाहिए, टेंट कितने कितने हज़ार टेंट चाहिए और तुम्हें चाहिए? 30-35 हज़ार के करीब टेंट अगर और हो जाए। ठीक है, 30-35 हज़ार टेंट चाहिए। और मच्छरदानियाँ? मच्छरदानियों को तो मैं लाखों में ऑर्डर कर रहा हूँ, लेकिन अगर 5-7 लाख मच्छरदानियाँ और तकरीबन 12-15 लाख बोरे राशन हो जाए, अभी जैसे 1 लाख बोरे हमारा राशन पैक हो जाएगा इसी हफ्ते, जिसमें हमने 50,000 एयरफोर्स और 50,000 रेंजर्स इस तरह किया। जो डायरेक्ट कर रहे हैं वो अलग है, जो हमारे पास से डायरेक्ट जा रहा है वो अलग है सारा, वो उसकी गिनती अलग है। और एक राशन जो 5 लोगों के लिए, फैमिली के लिए, एक हफ्ते के लिए होता है, उसकी कीमत बता रहे 2800 में पड़ता है। सपोर्टिंग राशन है, सपोर्टिंग राशन, मतलब ये कि गुजर हो जाए, ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। अच्छा, आप में से भी अगर कोई राशन डोनेट करना चाहे, कोई टेंट डोनेट करना चाहे, कोई मच्छरदानी, उसके अलावा जो चीज़ें भी डोनेट करना चाहे, ज़फ़र है, JDC आप जानते हैं बहुत मशहूर ऑर्गेनाइजेशन है, इस वक्त बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं, उनमें ज़फ़र भी बिल्कुल रात दिन मेहनत कर रहे हैं, इसकी टीम भी, तो इनको आप डायरेक्ट भी डोनेशन दे सकते हैं। हमें जो मिल रहा है, हम ज़फ़र को ला के पास ला रहे, आज हम ज़फ़र को और भी डोनेशन दे रहे कैश की सूरत में, ताकि ये खाने का जो सामान है वो खरीद सके। 3-4-5 महीने की मेहनत है, उसके बाद शायद सेटलमेंट शुरू हो, और सेटलमेंट के बाद फिर नया मसला शुरू होगा कि इनका रोज़गार चाहिए, इनको खेती बाड़ी चाहिए, इनको रहने को छत चाहिए, तो ये एक अलग से सिलसिला होगा जो मेरे ख्याल में 5-6 महीने के बाद होगा। खेत तो सारे खत्म हो चुके हैं ना, कुछ भी हो चुके हैं, इनको बीज देने होंगे, इनको खाद देनी होगी, इनकी ज़मीन को हमवार करने के लिए मशीनों का किराया देना होगा, इनके घरों का जो सामान सारा ख़त्म हो गया, बर्तन, चूल्हा, उसके अलावा चारपाई, लाइट, तार, मतलब एक पूरा एक नया सिलसिला है ज़िंदगी का, तो वो सब इनको तमाम दोस्तों, ये तो कई अरबों का, मतलब खरबों रुपए का बजट चाहिए, और ज़ाहिर है हुकूमत के पास तो इतने पैसे नहीं है, बस यही है कि हम और आप जैसे लोग जो भी अल्लाह ने हमें तौफीक दी है, हम अगर इसमें हिस्सा डाल सके अपना, तो परवरदिगार इसका अजर देगा, ज़ाहिर है हमारे अपने लोगों के लिए जो मज़लूम है, इस वक्त परेशान है, आफत ज़्यादा है। मेरे पास बहुत सारे लोग आए थे, उन्होंने वीडियो दी है अपनी बना के वहाँ पे, और मैं हैरान हूँ कि इतना ज़मीन का हिस्सा है, वो बिया बीवी बच्चे खड़े हैं और चारों तरफ पानी है, पता नहीं वो कहाँ से निकलेंगे, किस तरह निकलेंगे। अच्छा, आपने बोट्स भी बड़ी दी हैं? बोट्स भी दी हैं, उसके अलावा मेडिसिन के ट्रक दिए हैं, 5 ट्रक अभी, 4 ट्रक अभी SSC को दिए हैं, सिंध पुलिस को, उनके साथ मिलकर मेडिकल कैंप दादू में कर रहे हैं हम। तो हमारे जो किचन लगे हुए इस वक्त अंदरूनी सिंध में, वहाँ आप देखें जाके कहीं 500 देखें बन रही है दिन की, कहीं 400 देखें, और इस बात को भी आज 1.5 महीना 1.5 महीना हो गया हमारी टीम में, तो नॉन स्टॉप मुसलसल, ये बड़ा मुश्किल काम है जी, हम 1-2 दिन में थक जाते हैं, ये मुसलसल ज़फ़र जो है 1.5 महीने से काम। अच्छा ज़फ़र, डॉक्टर्स आ रहे हैं इसमें हेल्प कर रहे हैं? कम आ रहे हैं। समझ रहे थे कि जिस तरह यहाँ से लाइन लग जाएगी डॉक्टरों की, या अंदर अंदरूनी सिंध से लाइन लग जाएगी, फिर दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, मेडिसिन ही नहीं मिल रही, मतलब सेम फार्मूले में कोई भी कंपनी की दवाई दे दो, फार्मूला भी सेम है, उस सेम फार्मूले में भी नहीं मिलनी है। हमने जो 4 ट्रक रेडी किए, उसके लिए हमें सखर तक परचेजिंग करने जाना पड़ा। अच्छा, ये शॉर्टेज है या कोई और वजह इसकी? हमने जो अपनी प्रीवियस जिंदगी में देखा है, ज़खीरा अंदोजी हो, ज़खीरा अंदोजी। दोस्तों ये होता है, क्या करें, इस वक्त ज़खीरा अंदोजी भी उरूज के ऊपर आई, अंदर आई है। ठीक है, अब ये जैसे आपकी तरफ से जो टेंट आए हैं, ये यहाँ उतरेंगे, ये हमने जो मच्छरदानियों का ऑर्डर किया है, लाखों मच्छरदानियाँ हैं, ये रोज़ाना मच्छरदानियाँ यहाँ पर उतर रही हैं, ये तकरीबन रोज़ाना 20,000, 15,000, 25,000 इस तरह मच्छरदानियाँ उतर रही हैं, और ये रात में अभी मुल्तान से खेमे पहुँचे हैं, ये वाले मुल्तान से पहुँचे, इनकी थोड़ी साइज़ बड़ा है, क्योंकि हमने सफाई बढ़ाई, वो जो साइज़ है उसके अंदर कम से कम 3-4 पाइयाँ खेमे में, ठीक है, इसकी लंबाई थोड़ी ज्यादा इस वाले खेमों, तो इसमें कितनी कितने लोग, 4 पाई कितनी आ सकती, 4-5 3-4 पाई आ गए तो समझे 6-7 लोग आ जाएंगे, एक नीचे बैठने के लिए जगह और लोग आ जाएंगे। अच्छा, दरिया भी चाहिए आपको? दरिया भी चाहिए, चटाइयाँ भी चाहिए, और चूंकि हम ये चाह रहे हैं खेमे वो वाले हों जो ठंडे हों, ठीक है ना, तस्वीर खींच ली जाए और खेमे लग गए हैं जी और शोर हो जाए, लेकिन जब कोई उसके अंदर जाए आग निकल रही हो तो फिर वो खेमा किस काम, सही बात है, बारिश हो रही हो तो वो खेमा वैसे ही बरस रहा हो जिस तरह पानी छत से आ रहा हो या खुले आसमान नीचे,
तो फिर वो खैमा किस काम का? तो हम कोशिश यही कर रहे हैं कि वाटर प्रूफ भी होना चाहिए। हाँ, ये वाटर प्रूफ भी है सारे। हाँ, ये वाटर प्रूफ है, ये भी ठंडे खैमे बस, ठीक है। और कोशिश यही है कि इसको अच्छे तरीके से, दोस्तों चटाइयाँ भी चाहिए, दरिया भी चाहिए, अगर इसमें आप मदद कर सकते हैं, JDC को चटाई है, दरिया ला के दे सकते हैं, प्लीज़ दीजिएगा, क्योंकि सानिया बहुत बड़ा है, आफत ज़्यादा लोग कणों के अंदर है, जिसका हमें गुमान भी नहीं है। पूरा खोल लें, आए मैं आपको दिखाऊंगा मच्छरदानियाँ कैसे आ रही है। दोस्तों ये मच्छरदानियाँ देखें जी, ये JDC ने ये बनाई अपनी तरफ से, ये कितनी साइज़ की होगी? एक बड़ी चारपाई में आ सकती है ये। और इस वक्त आपको पता ना, सबसे बड़ा जो मसला है, अपार्ट फ्रॉम भूख है, तकलीफ़ है, बीमारियाँ, सबसे बड़ा ख़तरा, लास्ट टाइम भी जफर ने बताया था कि जानवर और इंसान पर मच्छर इस तरह हमलावर हो रहे हैं कि अगर इनकी हमने हेल्प ना की तो जानवर भी गए और वो टाइम गुजर गया। अच्छा, वो हो गया, वो गुजर गया। अल्लाह, जो मरे हुए जानवर हैं अगर उनकी लाशें नहीं उठाई तो उससे तहफ़ुल से लोग ना मरने शुरू। हाय हाय हाय, इतनी ज्यादा बड़ी तादाद में जानवर मरे हुए पानी के अंदर, जो मच्छरों ने और पानी ने काम उनका किया है पूरा, अगर उनकी लाशें फौरी तौर पर उठा के तल्फ नहीं की गई, उनकी लाशें जानवरों की माँ से नहीं हटाई गई, तो जो उससे तहफ़ुल से बीमारियाँ फैलेंगी वो कौन झेलेगा? अच्छा, अब ये बताइए, जानवरों की उठाना लाशें वहाँ से वो कैसे मुमकिन है जबकि वहाँ पानी पानी है ना जी? जिनका काम है उन तक आवाज़ जा रही है आपकी वीडियो के थ्रू, ठीक है ना? ये तो मैं वो बातें बता रहा हूँ जो हम ग्राउंड पे देख रहे हैं। और अगर हम तो अभी आपसे, मैंने आपकी तो पिछली मुलाकात हुई थी, मैंने आपसे कहा था कि जानवरों को बचाना है, इंसानों को बचाना है। जी, याद है मुझे अच्छी तरह। मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि जो मर गए जानवर उनको हटाने हैं, उनको हटाना है, लाशों के तहफ़ुल से लोग मर, और बहुत सारी बीमारी आपको पता ना, मरे हुए जानवर से जो बीमारियाँ फैलती है पानी में ना, और पानी में कोलेरा है, डिप्थेरिया है, कई चीज़ें हैं जो आप सोच नहीं सकते। और ये भी एक बहुत बड़ी नेकी, अगर आप ये डोनेट कर सके, और कोई इतनी बड़ी कीमत नहीं है इसमें। डोनेट में एक और चीज़ है, देखें हम ऑर्डर कर रहे हैं चूंकि 1-1 लाख मच्छरदानियों का, ठीक है, 50-50 हज़ार मच्छरदानियों का, तो उसमें हमें जो रेट मिलने, जितने में आपको एक मिलेगी उतने में हमें तीन मिल रही है। बिल्कुल सही है। तो आप हमारे पास आ जाए, हम आपको पार्टी बता देंगे, उसको डायरेक्ट पेमेंट कर, आपका कॉन्फिडेंस ले, बिल्कुल जी, बिल्कुल। और अगर आप हम पे एतमाद है JDC पे, आप हमारे ऑर्डर दें, हम उसको दोनों सूरत में कर सकते हैं। हमने भी टेंट जो लिए हैं और मच्छरदानियाँ ली है, हमने, इन्होंने रिकमेंड की थी, उस पार्टी को हमने बुलाया, डिटेल में डिस्कशन किया, हमने चेक किया, मच्छरदानियाँ भी चेक की, टेंट भी चेक किए, उसके बाद फिर हमने ऑर्डर किया और आज सामान लेके आए हुए। तो डेफिनेटली ये कि आप इनको डोनेट कर दें, भरोसा इन पे, और नहीं तो आप इनसे रब्ता करें, या आपको बताएंगे कहाँ मच्छरदानियाँ मिलेगी, कहाँ टेंट मिलेंगे, उस पार्टी से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर लें। ये बेटा ये रख लो, ये असल में पाकिस्तान बनने से अब तक कोई भी, आज तक किसी इदारे ने इतनी बड़ी ड्राइव नहीं की कि रोड के ऊपर 1 लाख बोरे राशन एक साथ पैक हो रहा हो, यानी 10 लाख किलो आटा एक जगह उतरे, यानी कि 4 लाख किलो चावल, 3 लाख किलो दाल, 4 लाख किलो चीनी, 1 लाख चाय की पत्ती के पैकेट, 1 लाख नमक, ये हमने कर दिया है। जिसको यकीन नहीं आ रहा है वो 50,000 बोरों की पैकिंग PIV क्रिकेट स्टेडियम में जो रेंजर्स को हमने दिया वो हो रही है, वो देख ले, 50,000 PF बेस में जाके देख ले। ये तो मैंने खुद भी देखा, पिछली मर्तबा जब मैं गया था वहाँ मजदूर काम कर रहे थे और ये कह रहे ओवर टाइम के साथ, मैंने मजदूरों को देखा जो राशन पार्क पैक कर रहे थे, निश्चर पार्क आया था ना, ये उससे बहुत बड़ा होगा, ये उससे बहुत बड़ा है। देखिए इसमें अच्छी बात ये है कि जो लोग काम कर रहे हैं उनको रोजगार भी मिल रहा है, और ये कि इन लोगों को वो सामान पहुंच रहा है जिनको इस वक्त हमारी सबसे ज्यादा जरूरत है। आइए डॉक्टर साहब अंदर भी विजिट करते हैं। ये डॉक्टर साहब, ये बेटा बकस उतारना, ये वैसे पेटियों में क्या है? मैं दिखा रहा हूँ आपको, मैं आपको दिखा, हम ये भी भेज रहे हैं, ये जो जहाँ जा रही है वहाँ की भी वीडियोस आ रही हैं। ठीक है, माशाल्लाह, खोलें देखें। अच्छा अच्छा, बच्चों यार बेटा इधर आ जाओ, निकालना शुरू करो। अच्छा, ये एक पैकेट में मुख्तलिफ चीज़ें जो बहुत जरूरी है, वो चीज़ें हैं जिसकी जरूरत, मच्छरदानी, ठीक है, ये मच्छर जला है, मच्छर हटाने का, ठीक है, ये बच्चों के लिए केक के पीसेज आ गए, ठीक है, तो कम से कम इससे आपने शुगर मेंटेन कर ले, ठीक है, फिर उसके बाद ये मर्दाना सूट हो गया, ठीक है। अच्छा, इसी तरह ये दिखाइएगा, ये अपनी ये आ गई मच्छरदानियाँ सारी, निकालो मच्छरदानी है, ठीक है, और निकालो मच्छरदानियाँ और होंगी। अच्छा देखें, ये 5 मच्छरदानियाँ, ठीक है, हटाओ, ठीक है, आराम आराम से तौलिया एक और दो, इसमें असल में बेसिक अच्छा पेराडोल वगैरह है, और तौलिया का, ठीक है, अच्छा दो तौलिया है, दो तौलिया, ठीक है, औरतों के सैनिटरी पैड है, पैड है, ये देखें, ये सैनिटरी पैड है, बिल्कुल, ये बच्चों के सूट आ गए, ठीक है, अच्छा फिर ये मॉस्पेल आ गया मच्छर से बचाने के लिए, जी बिल्कुल ठीक, ठीक है ना, ये लो भाई तौलिया भी वहाँ रखे, ये आ गए नैलून वाले जूते ताकि वो पानी में खराब ना हो, बिल्कुल सही है। अच्छा ये आ गए नैलून की चप्पल बच्चों की, ठीक है, अच्छा लाओ,
वाला बैग दो। देखिए अब इसके अंदर क्या क्या है, इसके अंदर है मुर्ता, ये पकड़ो, ये पकड़ दे रही है, शीशा, शीशा ठीक है, चार ब्रश, ब्रश, उसके बाद टूथपेस्ट पकड़ो, ये आ गए पैनाडोल जो आजकल बड़ी शॉर्टेज में, रेजर पैनाडोल है, पैनाडोल के 6 पत्ते हो गए और ये कमरबंद हो गया डालने के लिए, ठीक है पकड़े, इजार बंद डाल, सर्फ आ गया आधा किलो, ठीक है, और साबुन आ गया, ठीक है, ये बच्चों के कपड़े आ गए, बच्चों के कपड़े आ गए, ठीक है, और उसके अलावा बड़ों के कपड़े आ गए, ठीक है, और वो दिखाना, ये चादर आ गई, चादरें आ गई औरत के लिए, खातून खवातीन के लिए, दो कार्बन इसके अंदर आ गए, ठीक है, औरतों के जूते आ गए और ये मजीद सैनिटरी पैड आ गए और मॉस्पेल आ गए। अच्छा ये बताइए ये पेटी कितने की पड़ती है? ये एक पेटी लगभग 2,000 से 3,000 की पड़ती है। अच्छा अगर कोई डोनेट करना चाहे डायरेक्ट 100, 200, 300 बनवा लेंगे आप, कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। अच्छा इसके अंदर इजाफा होगा कुछ चीजों का, ठीक है, इसमें नाखून कटर का इजाफा होगा, ठीक है, इसमें छोटी कैंची का इजाफा होगा, ठीक है, भेजी ना वहाँ चीजें, हाँ, तो वहाँ से पता चला कि ये चीजें कम है, अब इसमें नाखून कटर, छोटी कैंची और एक दो चीजें और हैं, ठीक है, मतलब 2,800-3,000 तक पड़ जाएगा, 2,800-3,000 तक समझे दोस्तों। अगर ये भी डोनेट करना चाहते हैं इनको आके आप पेमेंट दे सकते हैं, आप खुद बना सकते हैं, बताएंगे चीजें कहाँ कहाँ मिलती है, आपके लिए बहुत मुश्किल है सब जगह जमा करना, देखे ना बहुत सारी चीजें कहाँ कहाँ जाएंगे, तो ये बताएंगे किस तरह बनती है, इस तरह कर सके ये भी करे दोस्तों। जो कुछ करना है हमें करना है, कोई आसमान पर खुदा है, वो खुदा ने बंदे को ही दी है सारी चीज़ कि इंसान इंसान के लिए काम करे, और हमें जो कर सकते हैं हम भी आज आए हुए और कोशिश करेंगे जब तक हम साथ दे सकते हैं JDC का, जफर का, हम आते रहेंगे, जो भी हेल्प हो सकती है हम करते रहेंगे, हमारी कोई बड़ी बात नहीं है, हमें अल्लाह ने दिया है, लोगों ने हमें दिया है, तो हम ये आगे पहुँचा रहे हैं। अच्छा जफर ये बड़ी अच्छी लगी मुझे बात तुम्हारी कि एक पूरी पेटी भेज दी और आसानी से चली जाती है, चीजें उसके अंदर मौजूद है, पेटी इसलिए भेजना जरूरी है, उनकी अलमारी, उनका बकर, वो सब चला गया, सब चले गया, पानी ले गया, चले। अब ये पेटी वो इस तरह खोलते हैं जैसे कोई कारून का खजाना उनके घर आया है, ठीक है, ठीक है, सही ना, और हर चीज देखें, शीशा नहीं देखेंगे क्या, औरतों का अगर दो जोड़े जा रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रही है, 29 दिन से वही गीला कपड़ा पहने घूम रहे हैं, उसमें बदबू पानी की अगर कोई सोच ले, तसव्वुर कर ले, आए मैं आपको और चीजें दिखाता हूँ। अच्छा ये सारे बोरे छप के आना शुरू हो गए, ठीक है, जो पैकिंग हो रही है ये है PF वेस्ट वाले बोरे, ठीक है, ये आएंगे 50,000 है जिसमें 25,000 जा चुके हैं, मजीद 25,000 आने वाले, इसी तरह जो रेंजर्स के लोगों के साथ आ रहे हैं वो 50,000 अलग है, जो PIP क्रिकेट स्टेडियम जाएंगे। अच्छा सामान दोस्तों उतरना शुरू हो गया, बोल दोस्तों सामान उतरना शुरू हो गया, ये जो टेंट लाए हैं और उसके अलावा मच्छरदानियाँ ये उतारना शुरू कर दिया, ये गाड़ियाँ काफ़ी देर से हमारा वेट कर रही थी, हम थोड़ी देर हो गई हमको। दोस्तों एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ जो मुझे पता चला था कुछ दिन पहले, ये JDC फाउंडेशन एक और बड़ा रिमार्केबल, ये तो खैर सहने आया पाकिस्तान का, मगर इसके अलावा जो ये काम कर रही है, देखिए इनकी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे, अगर आप कोई प्रॉब्लम में है, मुश्किल में है, एम्बुलेंस सर्विस तो उनको पता है, रेस्क्यू रिलीफ है, बहुत सारी चीज़ें, कराची के हर इलाके में फ्री डायलिसिस सेंटर खुल रहे हैं हमारे, फ्री डायलिसिस सेंटर में है, सरजानी में है, समनाबाद में, गुलशन इकबाल में है, अभी मीराबाई अस्पताल लियारी वाला जो है वो है, मलीर में अप्रूवल आ गई वहाँ खुल रहा है, आपको जिस जगह आप देखेंगे ना 5-स्टार चौरंगी पर है, आप अपने मरीज को लाएं, मुफ्त में डायलिसिस कराएं, खून की कमी के इंजेक्शन भी मुफ्त है, टेस्ट भी मुफ्त है, हफ्ते में 3 डायलिसिस कराएं, उसके अलावा फ्री ITCT में वो कोर्सेज जो मार्केट में 1,00,000 रुपए के थे ई कॉमर्स के, जिसके बाद आपको $200-$400 आप कमा सकते हैं, 10,000 बच्चों को हर बैच में फ्री में पढ़ाया जा रहा है, पूरा फ्री ITCT बना हुआ है, उसके अलावा ओल्ड एज होम, यतीम खाने, सब स्टेट ऑफ द आर्ट। अच्छा मुझे बताइए डायलिसिस की मशीन तो करोड़ों की होती है, तो 1 रुपया नहीं ले रहे, एक एक सेंटर का खर्चा ही करोड़ों में, एक पैसा नहीं ले रहे हैं कि 50-40 सेंटर कराची, फिर पूरा सिंध, फिर पूरा पाकिस्तान। माशाल्लाह अल्लाह आप लोगों को हिम्मत दे, आइए। अब ये लोग सामान भेज रहे ना अलग अलग नौइयत का, ठीक है समझ गया, जैसे किसी ने TV भेज दिया है, अब किसी ने ये भेज दिए, क्या कहते हैं ये इमली भेज दी, इमली भेज दी है, अब किसी ने ये भेज दिया है जो शांदे का कार्टन भेज दिया है, ठीक है सही ना, अब किसी ने ये इंजेक्शन भेज, मैंने देखे, ठीक है, किसी ने जामे शरीर भेज दी, चटाई भेज दी, किसी ने ये नैलून के जूतों के बोरे भेज दिए हैं दोस्तों, चटाइयाँ भी चाहिए, दरिया भी चाहिए, अब ये सारा सामान आता है यहाँ से स्टार्ट आउट हो गया। अच्छा मैं वहाँ देख रहा था वो वहाँ पे फाइलें लगी, वो बिल विल का कुछ काम नहीं है, जो यहाँ 24 आवर्स एप्लीकेशन आती हैं, ठीक है, किसी का इलाज है, किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी को राशन चाहिए, किसी का किराया है, किसी की बिजली कट गई है, किसी को कुछ है, तो वो एप्लीकेशन वहाँ से देंगे, इदारा अगर जिंदगी मौत का मसला है तो फौरन हल करेगा, नहीं तो फिर वेरीफाई करेगा, जब आपका नंबर आएगा तब करेगा। दोस्तों वेरीफिकेशन बड़ी जरूरी है, आज सुबह एक वीडियो मैंने की थी जो मुझे कॉल आई थी, आपको पता है, तो वेरिफिकेशन बहुत जरूरी है। मच्छरदानी है, मच्छर स्प्रे वाली मशीन है, मच्छर स्प्रे, क्योंकि इस वक्त कराची में हमारी मच्छर स्प्रे मुहिम चल रही है, कल लियाकताबाद पूरा कवर किया गया है, आज भी दर्जनों गाड़ियां मुख्तलिफ इलाकों में, किसी दिन गुलिस्तान जौहर है, किसी दिन महमूदाबाद है, क्योंकि अब डेंगू से अमवात हो रही है,
तो हमने बहुत बहुत बोल्ड स्टेप लिया है और पूरा 8-8, 9-9 घंटे का केमिकल लिया है जो लाखों रुपए की मुहिम है, रोजाना की बुनियाद पर कराची की एक एक गली में स्प्रे हो रहा है। ये मुहिम चल रही है, आई मैं आपको दिखाऊंगी आईटी लैब है हमारी। आ जाओ दोस्तों, ये इनका आईटी लैब है और सेंट्रली एयर कंडीशन है और यहाँ बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं कंप्यूटर के हवाले से। मैडम कंप्यूटर की क्लास है? जी जी जी। मैडम आप बता दें सर को, आए सर आए, मैं सर को ब्रीफ कर दें क्या हो रहा है। जी ये हमारे सीआईटी के स्टूडेंट हैं जी, और मतलब बिल्कुल इनको बेसिक नहीं आती, लेकिन थोड़ा सा कुछ बैठा हुआ है तो मतलब बेसिक से एडवांस लेवल तक इनको लेकर आ रहे हैं। और अभी एक्सेल में मैं इनको बताने जा रही हूँ प्रिंट की सेटिंग किस तरीके से करते हैं और कैसे एक पेज पर प्रिंट निकाल सकते हैं, बड़ी बड़ी शीट्स होती हैं, मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में किस तरीके से सर्वाइव कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। और जे डी सी बहुत मतलब समझने की फ्री इनको क्लासेस दे रहा है और जो सिखा रहे हैं मतलब वो तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है, बड़ी बड़ी पीसेस लेके करवा रहे हैं, ये बिल्कुल फ्री दे रहे हैं। दोस्तों एक बात का मेरा भी ईमान है कि अगर कोई शख्स भूखा हो तो आप कब तक उसको मछली देते रहेंगे, आप उसको मछली पकड़ना सिखा दें ताकि उसका प्रॉब्लम जिंदगी भर के लिए सॉल्व हो जाए। तो मैं इस चीज़ से बड़ा खुश हुआ कि जो रोज़गार हासिल करने के लिए जो इल्म चाहिए, जो हुनर चाहिए, अगर वो सिखाया जाए तो हमारी कौम के बच्चे जो अपने पैरों पर खड़े होंगे, खुद रोज़गार कमाएंगे। और जैसे कि मैं ज़ाती तौर पर मेरा ईमान ये है कि जो कॉन्सेप्ट है ज़कात का इस्लाम में वो ये है कि आज ज़कात लेने वाला कल ज़कात देने वाला बन जाए, यही होना चाहिए कि हम लोगों को इतना डेवलप करें कि वो अपने पैरों पर खड़े हों, रोज़गार हासिल करें और फिर आगे जाके उनके रोज़गार में इजाफा हो तो वो किसी और की मदद कर सके। तो सलाम है जी, जेडीसी बहुत रिमार्केबल काम है, ये करते रहिए, हुनर सिखाए लोगों को ताकि मोहताजगी ना हो। इस वाले सेंटर को 13 साल हो गए और इसके अलावा जो आईटी सिटी बना है 10,000 बच्चों को देने उसको तकरीबन 3 महीने हो गए और क्लासेज स्टार्ट हो रही है और हर बैच में 10,500 बच्चे पढ़ गए, वहाँ निकलेंगे, 1 साल में 80,000 बच्चे पढ़ेंगे जिसमें अगर 60,000 बच्चों ने $200 महीना कमाना शुरू कर दिया तो आप समझते हैं। बहुत अच्छी बात है, थैंक यू मैडम। चलो जी, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, माशाल्लाह बहुत अच्छा है। हाँ बी केयरफुल। जो लोग डोनेशन देने आ रहे होते हैं यहाँ आते हैं, जो एडमिशन लेने आते हैं यहाँ आते हैं, ठीक है। अच्छा जो वहाँ के एडमिशन है वो अलग है, वो उनका यहाँ से ताल्लुक नहीं है, ठीक है। आपको लेके चलता हूँ, हर सेंटर का अलग अलग एडमिशन है जहाँ जहाँ हमारे सेंटर में कराते। अब जो केसेस आ रहे होते हैं मियाँ बीवी पैसे की वजह से लड़ गए जी, पैसा नहीं है, बिल ज़्यादा आ गए, तलाक की बात जा रही है, उनके वो मसले मसाइल हल करना। अच्छा यहाँ आप बैठ के, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, खैरियत से? ठीक ठाक, अल्लाह के। वो सब यहाँ बैठा के सारी बातचीत होती है भाई, सही है, आपको 4 महीने का किराया दे देते हैं, आपकी ज़िंदगी में खुशहाली आ जाएगी, तलाक नहीं होगी या लड़ाई झगड़ा नहीं होगा या मार पिटाई नहीं होगी, तो वो मसले यहाँ पूरे दिन सुने जाते हैं, हल किए जाते हैं और हल करके ही आगे माशाल्लाह। तो यहाँ पे कोई नफ्सियात के माहिर को भी बुला दिया करें हफ्ते में एक दिन, क्योंकि अगर मियाँ बीवी में झगड़ा पैसों के अलावा है, शक की बीमारी है, वो है, बस बहुत सर अभी हम जो फ्री वो बना रहे हैं मलीर वाला उसमें सेंटर बना देते हैं, आप टाइम दे हफ्ते में एक आते हैं दे देंगे, हाजिर हाजिर, हफ्ते में एक दिन बैठेंगे, नो प्रॉब्लम। और वॉइस रिकॉर्डिंग दोनों होती है, ठीक है ठीक है, कल को कोई नया इल्जाम ना लग जाए। हां इल्जाम ना लग जाए। चलिए जी, अल्लाह ताला आप लोगों को मजीद तौफीक दे। देख लें यहां भी राशन ही भरा हुआ है, इस वक्त जरूरत ही मेरे ख्याल में राशन ही की सबसे ज्यादा। जितनी भी रसीदें बनती हैं, जो भी मैनुअल बनेगी रसीद, उसकी कंप्यूटराइज रसीद सेम डे बनेगी, क्योंकि देखिए हम ऑडिट तो कराते हैं बी कैटेगरी से, नहीं अच्छा ऑडिट कराते हैं, लेकिन फिर भी हम पीसीबी रजिस्टर्ड जा रहे हैं ऑडिट, हम पीसीबी से अलग ऑडिट कराते हैं भाई, हमारा एक एक जर्रा चेक करो। सही बात है। तो ये सारा सिस्टम यहाँ से मॉनिटर है, सारे सर्टिफिकेट पाकिस्तान के हर इदारे के हमारे पास मौजूद है और हम कराते भी हैं ऑडिट। आई मैं आपको और दिखाऊँ, बैठे जी प्लीज आप लोग। यहाँ से ऑक्सीजन सिलेंडर जो मरीजों को जाते हैं उसका डाटा सारा यहाँ होता है, ठीक है, ठीक है, मरीजों को बैठ जाते हैं, सब फ्री में दिया जाता है। ये हमारा मीडिया का रूम है, ठीक है, काजी उसके हेड है और ये सारा चेक कर रहे होते हैं, फिर पेज की रीच कैसी चल रही है, किस मुल्क में ज़्यादा देखा जा रहा है, किस मुल्क में कम देखा जा रहा है, तो पूरी दुनिया से लोग मैसेज कर रहे हैं, क्या है रिस्पॉन्स, क्या नहीं है रिस्पॉन्स। इनके अंडर में 18 बंदे हैं जो कि इस वक्त सारे के सारे सिंध में काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं इस वक्त। हमने अपने सारे, आपको हमारे पेज पे कोई वीडियो भी एडिटेड नहीं मिलेगी, लाइव है, डायरेक्ट से बन रही है, मोबाइल से जा रही है, इसीलिए पूरी टीम इस वक्त जो है कोई कवर नहीं है किसी वीडियो पे। देखिए एक चीज जेडीसी की और जफर की और इन लोगों की कामयाबी की एक बहुत बड़ी वजह ही है कि इनका काम इतना साफ है कि लोग भरोसा करके आंख बंद करके पैसे दे जाते हैं,
उनको पता है कि पैसा वही इस्तेमाल होगा जहाँ होना चाहिए। और ये बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है माशाल्लाह, वहाँ पे भी बड़ी शफाइत है, लेकिन इनके अलावा चूँकि मैं यहाँ पे आया हूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने ये सारी चीज़ें देखी है, भूल भुलैया, मतलब मैं आऊँ तो खो जाऊँ यहाँ पे। तो मैं तो चाहता हूँ ज़फ़र का कोई इतना बड़ा सेंटर हो कि जहाँ ये तमाम चीज़ें एक जगह हों और बहुत बड़ा हो, अल्लाह करे वो तौफीक दे के वो ही बन जाए। आइए ठीक है, हमारे जो कराची में सेंटर्स हैं, डायलिसिस सेंटर, ओल्ड एज होम, यतीम खाने, रेस्टोरेंट्स, मुख्तलिफ, वो सब 50-55 के करीब है। हर एक पे जो स्टाफ है सब सैलरी पे, हर जगह हसासियत है, कहीं खाना पक रहा है तो जिंदगी मौत का मसला है, खाने में कुछ गिर गया, कुछ हो गया तो मुसीबत, कहीं डायलिसिस हो रहे हैं तो जिंदगी मौत का मसला है, कहीं एम्बुलेंस में ऑक्सीजन ऊपर नीचे हो रही है तो वो हसासियत है। आजम साहब हैं, सिदारी की सारी परचेजिंग और ये वो सब चीज़ें अंडर में होती है, ये सब सारी चीज़ें, सब चीज़ों का रिकॉर्ड मेंटेन होता है, जब तक कोई किसी भी चीज़ का टेंडर ना हो, उसकी कोटेशन ना हो, तब तक आप डायरेक्ट परचेज नहीं करते। कुछ भी नहीं होता। चले, अल्लाह ताला तौफीक दे आप लोगों को, मजीद हिम्मत दे। एक अपनी पर्सनल रिपोर्ट चाहिए। बड़ी बात। देखिए अभी आपने मुझे भेजी है, प्रिंट निकालता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से ये खुद जाते हैं, विजिट करते हैं जगह। बैठे ना प्लीज, बैठे बैठे बैठे। रिपोर्ट दी थी, प्रिंट देना रखा है टेबल तुम्हारी, मगर एक और जगह बड़ी लो, जगह ऐसी हमारे, अभी मैं आपको विजिट करा रहा हूँ डायलिसिस सेंटर बराबर में, गुलशन वाले भी, अभी हमारे जितने डायलिसिस सेंटर हैं जहाँ खड़े इसके 2 किलोमीटर के रेडियस में 5 डायलिसिस सेंटर चलने वाले हैं। और मैं स्टैंडर्ड उसको अभी आपको दिखा देता हूँ। देखिए अब जैसे ये नफीस साहब की रिपोर्ट है, इंस्पेक्टेड ब्रिक्स वर्क, डोर एंड विंडोज नीड टू बी फिक्स। कहाँ पर भाई? लेबर्स ओनली। ये इन्होंने 26 सितंबर को विजिट किया है और 9:45 AM पे। ये है JDC का जो सेकेंड ओल्ड एज होम बन रहा है उसका। अच्छा जी, ट्रक वाज लॉक्ड, सुबह 10 बजे उन्होंने विजिट किया है। कौन सा ट्रक है ये? ये सर नुमाइश वाला, नुमाइश औरंगी वाला जो रेस्टोरेंट है हमारा, उस पर ड्राइवर नहीं था मौजूद, फरहान उसके ऊपर जो इंचार्ज है वो था। फिर ये मलीर गए, मलीर वाले ट्रक के ऊपर उन्होंने लिख दी सारी कंडीशन। फिर ये और जो हमारा यतीम खाना बन रहा है उस पर गए, 35 पिलर डल चुके हैं और मजीद पे काम जारी है, लेबर से बातचीत हुई है। बड़ी बात है, कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट। 28 सितंबर में उन्होंने हिनो कंपनी में जाके मीटिंग की, जो हमारी बसें आ रही हैं मैयत बसें, उससे मुतालिक मीटिंग करके आए कि क्यों लेट हो रही है या कब मिलेगी जो वजूहत है। फिर ये 29 सितंबर को डायलिसिस ऑपरेशन विद 60% डिस्टेंस, आउटसाइड लुक डर्टी, इन्होंने लिखा कि भाई ये सेंटर पे गए थे, उसके बाहर का लुक जो है सड़क वाला वो गंदा है। तो उसको सही करना है फॉरन, डॉक्टर गजनफर और इनकी जो जो चीज़ें थी उनको इन्फॉर्म कर दिया, वो उसकी सफाई करवाएंगे। फिर ये रेनोवेशन वर्क प्रोग्रेस न्यू, अच्छा जो जौहर वाला दस्तरखान है उसके ऊपर लाइट वाइट ये सब चीज़ें कलर वलर पूरा हो गया, उन्होंने लिख दिया। फिर 30 सितंबर में बताया जी इतने रैक परचेज किए हैं, इतने 1000 के, ये सब चीज़ें तमाम चीज़ें। तो हर बंदा अपनी जो भी रिपोर्ट है वो थ्रू रिटर्न इदारे, और ये सारा आपका ऑनलाइन भी होता है ताकि कोई भी देख सके कहीं से। हाँ सर, हम PCB रजिस्टर्ड दार हैं, हमारे यहाँ तो हर चीज़ सीधी होनी होनी, तो इसलिए मतलब जब ये रिपोर्टिंग कर रहे हैं जो CEO हैं तो फिर नीचे वाले सब कैसे रिपोर्टिंग कर रहे हैं। आई मैं आपको बहुत शुक्रिया, अल्लाह। अच्छा मैं ज़फ़र सोचता हूँ ये इतना सारा काम, ये इतना सारा काम कैसे, हर चीज़ का हेड अलग है। अभी मैं आपको रेस्टोरेंट भी दिखाऊँ, वहाँ पे बावर्ची अलग है, शेफ अलग है, आओ जाओ जी, हर बंदा अलग है। वो रूम है जहाँ से हम बैठ के वीडियोज़ बनाते हैं सारी, ठीक है, और जहाँ सारी चीज़ें बता रहे होते हैं, ये वो सारे सर्टिफिकेट हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे, ये सारे प्रोजेक्ट हैं। जैसे ये बकरीद पे हम सैकड़ों ऊँट काटते हैं, उसका 5-5 किलो के थैले बना के हर गरीब के घर। अब 30 ऊँट अगर देवबंदी आलिम नहर कर रहे हैं, 30 बरेलवी, 30 अहले हदीस, 30 अहले तशरी, बाकी TV के प्रकार, मतलब हर कोई डोनेट करता है अपनी तरफ से। करो आप, ये प्राइड ऑफ पाकिस्तान मिला 2022 को 23 मार्च को, उसकी तस्वीरें। ये सऊदियन जिनके पास खाने काबा की चाबी है, शेख अब्दुल रहमान अल शेबी, ये आए थे 3 मार्च को JDC, ये सदर पाकिस्तान ने बुलाया था, ठीक है, 20 तारीख को। इसी तरह जो प्रोजेक्ट, ये सारे आपके प्रोजेक्ट्स हैं दोस्तों, देखिए ये सारे JDC के प्रोजेक्ट्स हैं, और आम तौर पर इसके बारे में पता नहीं चलता जब तक मैं खुद ना आया हूँ यहाँ पर, और आके अपनी आंखों से देना देखा होगा। एक्सपो सेंटर में हमने दी ग्रैंड एक्सपो लगाई थी, जैसे लाइफ स्टाइल नहीं होती, हाँ। करोड़ों रुपए का राशन, TV, फ्रिज, अलमारी लोगों को फ्री में दिया गया। टोकन बाहर से ले लें, जिस दुकान पर जाएंगे टोकन लाइक कैश दें, AB टोकन है तो 10 किलो आटा ले लें, BC टोकन है तो 20 किलो दाल ले लें, जो टोकन होगा वो। अब ये जैसे अभी ऊपर वाली तस्वीर जो है वो हमारे इफ्तिताह हुआ था 5-स्टार चौरंगी वाले डायलिसिस सेंटर, ठीक है, उसके नीचे वाली जो है वो समनाबाद फ्री डायलिसिस सेंटर की है, उसके नीचे वाली फ्री IT सेंटर करीमाबाद के सतह की है, ठीक है। ये बैरुल मजाहिब कॉन्फ्रेंस में मजहबी उमूर के वफाकी वजीर आए थे, ठीक है। ये जर्मन
नहीं, ये नॉर्वे एम्बेसी के एम्बेसडर आए थे इस्लामाबाद से मिलने के लिए भी थोड़ी देर पहले। ये यूएई के, ये यूएई के हैं। ये बैनुल मदायब कॉन्फ्रेंस की है, ये गवर्नर साहब ने सरजानी वाले डायलिसिस सेंटर का इफ्तिताह किया, ये वजीर आए, ये जो बुजुर्ग रो रहे हैं ब्लू कपड़े में, इन्होंने अपना 12 करोड़ रुपए का बंगला हमें डोनेट किया, हमने उसको भी फ्री डायलिसिस सेंटर बना दिया, वहाँ मैं आपको भी लेकर चल रहा हूँ, गुलशन नेपाल में मेन रोड पे। ये डी जी साहब हैं उनके एएसएफ के, ये लियाकताबाद वाला फ्री डायलिसिस सेंटर है, हर मोहल्ले में फ्री डायलिसिस सेंटर हमने। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि लोग जो है वो अपने मरहूमीन के हिसाब-ए-सवाब के लिए, इसाल-ए-सवाब के लिए, या फिर अल्लाह ने आपको दी है तो अपनी जायदाद वगैरह देते हैं। अब जैसे इन्होंने कहा डोनेट किया 12 करोड़ का घर, तो इसी तरह ही सिलसिले चलते हैं, इसी तरह इदारे चलते हैं। अगर मदद ना हो तो ये कब तक चलाएंगे, अपने तौर पे तो नहीं चला सकते ना। तो बस गुजारिश ये है कि जो कुछ कर सकते हैं, अभी हम जाएंगे डायलिसिस सेंटर का भी देखेंगे उसको भी। मैं पर्सनली जानता हूँ, पंजाब में एक साहब हैं, वो कई दफ़ा उन्होंने मुझसे कहा कि डॉक्टर साहब उनको 3-4 डायलिसिस सेंटर वो चला रहे हैं, तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप इसके सरबराह बन जाए। मैंने कहा जी मैं नहीं बन सकता, क्योंकि मैं वक्त नहीं दे सकता, टाइम नहीं है मेरे पास, मगर मुझे इतना पता है कि डायलिसिस सेंटर चलाना बहुत मुश्किल काम है और बहुत बड़ी रकम चाहिए। एक तो डॉक्टर्स होने चाहिए, मशीन्स होनी चाहिए, फिर उसके बाद कोई कॉम्प्लिकेशंस होती है, पोस्ट प्री डायलिसिस कॉम्प्लिकेशंस भी होती है, उसको संभालना तो ये बड़ी हिम्मत का काम है। और सर हम तो उस शहर में डायलिसिस सेंटर की बात कर रहे हैं जहाँ सरकारी अस्पताल के बाहर लोग सड़कों पे 6-6 साल से। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। वो सुबह डायलिसिस कराते हैं, अपने गांव नहीं जा सकते, एक दिन बाद फिर दोबारा डायलिसिस है, तो वहीं सोएंगे, एक दिन बाद दोबारा डायलिसिस। अब उनके चेहरे जल गए हैं धूप से। फिर इस शहर के लोग जब सरकारी अस्पताल जाते हैं डायलिसिस के लिए 18 घंटे वेट करते हैं एम्बुलेंस में, तो फ्री किस बात कर रहा है? एम्बुलेंस वाले को आपने 12,000 पे कर दिए वेटिंग में, जिसमें आप लेटे छोटी सी लोहे की स्ट्रेचर पे। तो हमने तो अब ये कर दिया हर इलाके में डायलिसिस है, ताकि आप अपने घर जा सकें। मेरे पास एक खातून काम करती थी, उसके हस्बैंड को किडनी का प्रॉब्लम हो गया, वो हिंदू खातून थी, तो मुझे याद है वो गई। खैर SIUT वालों की बड़ी मेहरबानी, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, मगर इतना रश था वहाँ पे कि उनको बेड 2 दिन के लिए तो दिया, उसके बाद अगर हर दूसरे दिन डायलिसिस तो वो बेड नहीं दे सकते थे। ये लोग थे इंटीरियर से थे, सिंध के इंटीरियर से थे, तो वो क्या करते हैं, तो मुझे नहीं पता अब क्या हालत हुई है उनकी। बहरहाल 2 करोड़ मरीज छूटे गए हैं पाकिस्तान, कराची ने लोड लिया हुआ है बलूचिस्तान का भी, कराची ने लोड लिया हुआ है पूरे सिंध का भी। कहाँ है अस्पताल आप बताएं? हम तो नहीं है, देख रहे हैं ना, बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है। बेटा इनको किसी को दे दो, वो संभाल ले पैसे। यहीं रखते हैं। इसके कितने अमाउंट है सर? पहले 15 लाख है इसकी। बेटा 15 लाख रुपए, 1.5 मिलियन है ये। डॉक्टर मोइज अब सर मसला ये है कि हमारे पास अगर मैयत बस भी चल रही है वो भी फ्री है, लिखा है मैयत बस का नाम ही यही है, फ्री मैयत बस, 65 बंदों के बैठने की बड़ी वाली बस है। जब बस का नाम ही फ्री मैयत बस है, आप ऐसे कैसे लेंगे? हम लेते ही नहीं। हमारे पास जो केसेस आ रहे हैं, मतलब छोटे में छोटा केस भी जो है जी, पेशेंट अस्पताल में वेंट पे 7 लाख रुपये जमा करा दें। अब भाई आप प्राइवेट अस्पताल लेकर क्यों गए यार? ये आपका मसला नहीं, पैसे जमा कराओ। हम तो इतना प्रेशर झेल रहे होते हैं सर पूरा दिन, आपकी सोच है। बच्ची का एडमिशन करा दिया प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, क्यों कराया? जब बच्ची की मेरिट पे ही नहीं थी, बच्ची का सरकारी कॉलेज में नाम ही नहीं आया, उसकी परसेंटेज ही इतनी नहीं थी, नहीं उसकी शादी अच्छी जगह हो जाए। अच्छा तो अब फीस कौन देगा उसकी? 6 लाख रुपए सेमेस्टर की JDC आप नहीं दें, तो यूं करके वीडियो बनाते हैं, कहते हैं देखें जी बच्ची मेडिकल में काबिल बच्ची कौम की थी और ये पैसे नहीं दे रहे। ये नहीं बता रहे कि सेल्फ फाइनेंस पे एडमिशन कराया, उसको कहते हैं हाफ ट्रूथ, आधा सच और आधा झूठ, पता नहीं चलता। तो ये प्रॉब्लम्स फेस करते जा रहे आप जैसे इदारे जो भी है, इनको बड़ी इस किस्म की ब्लैकमेलिंग भी होती होगी, धमकियां भी होती होगी, बहुत कुछ होता होगा, बड़ा तो मुश्किल काम है जी। मैं तो आप यकीन करें, कल चीफ सेक्रेटरी की मीटिंग थी, उसमें सब थे डॉक्टर मोइस फ्लड के लिए, तो वहाँ पर खुर्शीद शाह साहब भी थे, नासिर शाह साहब भी थे, फायम अली शाह साहब भी थे, चीफ सेक्रेटरी भी थे, तमाम इदारों के सेक्रेटरी बैठे हुए थे, आबपाशी के, नहर के, इसके, सेहत के, फ्लड पर मीटिंग हो रही थी। बात आई NGOs की, मैंने बहुत हल्के हाथ रखे बात की, मैंने कहा सर इतने मिलियन जितने की आप बात करें इतने का हम राशन भेज चुके हैं, अब तक सामान भेज चुके हैं। तो उस पर वहाँ पर एक बैठे हुए थे एक और NGO के साहब, वो सिर्फ TV पे ही आते हैं, मतलब काम करते हुए मैंने नहीं देखा उनको आज तक कभी, उनकी बड़ी तबीयत खराब हुई मेरे आने के बाद। मैंने सुना, उन्होंने बोला मुमकिन ही नहीं 1 लाख बोरे राशन बन सकता है इस मुल्क में। मैं बता तो रहा हूँ आपको, 50,000 एयरफोर्स, 50,000 रेंजर्स, बड़े दारों का नाम दे रहा हूँ, झूठ बोलूंगा तो इदारे मुझे छोड़ेंगे, लेकिन फिर भी आप देखें जो काम नहीं कर रहे वो नेगेटिव चीज़ें ज़रूर फैलाने में अपना हिस्सा डालते हैं। ये इंसान की फितरत है जी,
जो नहीं कर सकता वो कोशिश करता है, जो कर रहा है उसको बदनाम करे या उसका नाम नीचे। झेलते हैं सारा साल, एक झूठी वीडियो बन जाती है। एक साहब आए, साफी बोलते हैं अपने आप, उन्होंने रमजान में किसी और के दस्तरखान पे वीडियो बनाई अफ्तारी की, हमारे नाम से चला, और उसी वीडियो में 17 मिनट बाद या 16 मिनट बाद बता रहे, अच्छा ये जेडीसी का दस्तरखान नहीं था, जेडीसी का ये, लेकिन प्रोमो में वही जुमला डाला जहां पे लोगों से बोल रहे हैं जेडीसी के दस्तरखान पे आया था, भूखे जा रहे। आप देखें शरारत का लेवल, देखें जरा कैसे ये जफर, ये तो होगा जब इंसान कोई नेक काम का बेड़ा उठाता है ना, तो शैतान और उसके जो कारिंदे हैं ना वो आपके पीछे जरूर आते हैं, और ये होगा। अच्छा मुझे इस बात पे हैरत है, जो ये काम हो रहा है, चाहे मैयत की बस हो, चाहे डायलिसिस हो, चाहे इलाज फ्री हो, बच्चों की तालीम के पैसे हो, राशन हो, कपड़ा हो, ये तमाम चीज़ें किसी भी वेलफेयर स्टेट में गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है। हुकूमत जो होती है वो बाप की तरह होती है, जो ख्याल रखती है अपने लोगों का कि उनको की तकलीफ ना हो। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में ये चीज़ नहीं है, और ये दुख की बात है, अल्लाह करे कि ये चीज़ हो आए, मगर फिर अल्लाह ने ऐसे ऐसे असबाब भी पैदा किए, ऐसे लोग भी पैदा किए। पाकिस्तान में कुछ इदारे ऐसे हैं जिनको वाकई सलाम है, उनमें एक JDC है। मैं थोड़ी देर पहले सोहेल से बात कर रहा था, मैंने कहा ये आदमी काम कैसे कर लेता है, तो इंसान की एक लिमिट होती है, आपको नींद भी चाहिए, आपको भूख भी लगती है, आपको प्यास भी लगती है, आप थक भी जाते हैं ज़हनी तौर पर, और ये मुसलसल ये जो खासकर फ्लड रिलीफ, उसके अलावा भी होता होगा, मगर जो फ्लड रिलीफ में मैंने जफर को देखा है, लास्ट हम जब गए थे वहाँ पे कौन सा नेशनल पार्क गए थे, तो जफर टेंट के अंदर लेटा हुआ था, ज़ाहिर थक गया होता, हम गए उठ के आ गया हमारे पास, लग रहा था कि वो थोड़ी देर चाह रहा था कुछ देर आराम कर सके, मगर वो भी मुमकिन नहीं है। तो अल्लाह ताला हिम्मत दे बस, और क्या कर सकते हैं हम, कम से कम कौम को, हम सबको इस चीज़ का एहसास होना चाहिए कि अगर हमारे भाई, हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारी माएँ अगर किसी किस्म की तकलीफ़ में, और अल्लाह ने मुझे दिया है कुछ, मेरी ज़रूरत से ज़्यादा दिया है, तो उसमें जो भी हम डाल सकें हिस्सा, ज़रूरी का पैसा दें, आपको चीज़ ला के दे दें, आप इनके पास आके पूछेंगे जी मैं, मेरे पास इतना टाइम है, मुझे बताइए मैं वॉलंटियर काम करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो वो भी आप कर सकते हैं, वो भी एक खिदमत खल्क है। तो मैं आज ये सोच के जा रहा हूँ कि जो राशन के पैकेट इन्होंने कहा है, अच्छा हाँ नहीं मैं इसलिए बोलूँ कि यहाँ से हम जाने से पहले मैं चाह रहा हूँ कि जो पैकेट खाने के, उस चीज़ ने मुझे बड़ा अपील किया, और वो जो पेटी आपने दिखाई है वो चीज़ मेरे सहन में बहुत आई, कि एक तो वो काम भी आएगी सामान रखने के लिए, बिकॉज अब कुछ है ही नहीं, और उसके अंदर जो सामान है वो भी काम आएगा। तो मैं भी, मेरी कोशिश होगी कि मैं इसको एक बड़ी तादाद में ये इसको करा सकूँ मैं, और उसके साथ साथ मैं खाने का, राशन का जो आपका पैकेट है वो भी करा सकूँ। चले जी, बहुत बहुत शुक्रिया, एक तो ज़फ़र JDC का शुक्रिया, तमाम अफराद बैठे हुए थे, अगर मैं ना आता मुझे पता ना चलता, मगर अभी भी कहूँगा मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला बहुत बड़ी जगह दे जहाँ पे बहुत बड़ा काम हो सके इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान पाइंदाबाद।